सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल मास्टर स्पेशल ट्रिक चैनल को और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए इस घंटे को दबाना ना भूले। तो जब से WhatsApp पर नया प्राइवेसी एंड पॉलिसी आया है तब से लोग कह रहे हैं कि WhatsApp को यूज ना करें, इसके बदले आप टेलीग्राम और सिग्नल ऐप को यूज कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम और सिग्नल ऐप में क्या फर्क है। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। तो देखिए, जब से WhatsApp का प्राइवेसी और पॉलिसी लेकर नया अपडेट आया तब से लोग कह रहे हैं कि WhatsApp को आप यूज़ ना करें, इसके बदले आप अदर्स ऐप को यूज़ कर सकते हो। और ये भी से WhatsApp का जो नया प्राइवेसी और पॉलिसी का अपडेट है उस पर जो पर्सनल डिटेल्स लिया जाएगा वो है बैटरी लेवल, सिग्नल, फोन की IP एड्रेस, फोन की मॉडल, फोन पर कितना परसेंट नेटवर्क है, उसके बाद फोन की जो जितने भी आप फोन पर कितना क्या क्या ऐप यूज़ करो ये सब डिटेल्स दिया जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा, फास्ट से जाके वीडियो को देख सकते हो। तो अगर उनके टर्म्स एंड कंडीशन को आप अगर आप एग्री करते हो तो आपका जो प्राइवेसी एंड पॉलिसी है उनके हाथ में आ जाएगा। तो आप बता दीजिए कि हम यूज़ करें क्या, तो इसके बदले आप सिग्नल और टेलीग्राम ऐप को यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट्सएप और टेलीग्राम में फर्क क्या है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम में उतना ज़्यादा आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको 19-20 का फर्क देखने को मिल जाएगा। व्हाट्सएप की जो आप मिनिमम फाइल किसी भी फाइल को अगर आप भेजना चाहते हो तो आप 100 MB तक आप भेज पाओगे, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अगर आप टेलीग्राम पर किसी भी फाइल को आप भेजना चाहते हो तो मिनिमम साइज रहेगा 2 GB तक। आप टेलीग्राम पर आप 2 GB तक मिनिमम किसी भी फाइल को आप भेज सकते हो। व्हाट्सएप पर आप कब क्या कर रहे हो आप स्टेटस के जरिए आप किसी को बता सकते हो। अगर उनका नंबर आपके पास रहता है तो आप स्टेटस के जरिए व्हाट्सएप पर बता सकते हो, पर टेलीग्राम पे कोई भी ऐसा स्टेटस फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप की जो ग्रुप लिमिट है वो है आप किसी भी ग्रुप पर अगर आप किसी को ऐड करते हो तो आप मिनिमम 250 तक आप कर सकते हो, और टेलीग्राम पर आप मिनिमम 2 लाख तक कर सकते हो। आप टेलीग्राम पर कंटेंट बनाकर टेलीग्राम के चैनल पर अपडेट कर सकते हो, अपने व्यूअर को बता सकते हो, पर ऐसा आपको व्हाट्सएप पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप किसी अननोन पर्सन से बात करना चाहते हो तो इसके लिए आपका जो व्हाट्सएप नंबर है उनको देना पड़ेगा, तब आप उनसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो। पर टेलीग्राम पर ऐसा नहीं, आप सिर्फ एक यूजर आईडी से आप टेलीग्राम पर बात कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो उनको आपका जो टेलीग्राम फोन नंबर है उनको आप दे सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप पर किसी को फोटो या फिर वीडियो भेजते हो तो उनका जो साइज वो कम हो जाता है, पर टेलीग्राम पर ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहते हो जो भी साइज का फोटो या फिर वीडियो भेजते हो उनका वही साइज रहना चाहिए, तो आप ऐसे करके आप जो है टेलीग्राम पर ऐसे फोटो और वीडियो आप तो उनका साइज कमेगा नहीं। तो ऐसे फीचर्स आपको टेलीग्राम ऐप पर देखने को मिल जाएगा। आप बहुत दिन से एक ऐप के बारे में सुन रहे होंगे जिसका नाम है सिग्नल। तो ये जो ऐप बहुत ही पॉपुलर होने की जो मेन कारण है वो है इलन मक्स। उन्होंने एक ट्विटर के जरिए ट्वीट करके बताया है कि यूज सिग्नल ऐप। तो ये जो सिग्नल ऐप है ये सेम व्हाट्सएप की तरह ही आप व्हाट्सएप पर जो भी कुछ करते हो तो सेम आपको इस ऐप पर भी आपको देखने को मिल जाएगा सिग्नल ऐप पर। तो आज के लिए बस इतने, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम में फर्क क्या है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय शुभ हो।